अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। वालेकुम सलाम जी। मोनू भाई कैसे हैं आप? बस बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास आजम भाई। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग मथुरा में हैं, मोनू भाई के गोट फार्म पे हैं। इनके गोट फार्म का नाम है बरबरी गोट फार्म। मैंने इनके पहले भी वीडियोस किए हैं। मेरे लिए यहाँ पर आना ऑलवेज अ प्लेजर है, क्योंकि इनके पास मुझे प्योर बरबरी बकरियाँ देखने मिलती हैं। इसके अलावा जमुनापारी, बीटल और सिरोही में भी इनका बिजनेस है। हम लोग मोनू भाई से अभी इनके जो बरबरी बकरी हैं उसके बारे में बात करेंगे। सो मोनू भाई, सबसे पहले जो आपकी बरबरी बकरे या बकरियां हैं, लाइक आप क्या रेट से बेचते हो? बरबरी बकरी और बकरे का तो अभी 350 का मेल का चल रहा है। अच्छा। प्योर क्वालिटी एकदम एक नंबर क्वालिटी जी। और फीमेल का जो रेट है वो 250 का रेट है। 250 का रेट, 250 रुपए पर केजी। ओके। और कितने महीने का बच्चा हो तो बेचते हो? ये रहती है 1 से 2 साल वाली फीमेल रहती है। अच्छा। और मेल भी जो रहेगा वो 1 से 1.5 साल वाला रहेगा। अच्छा, मतलब जो प्राइस जो बताया है उसका रेट है। ओके, 1 से 1.5 साल, मतलब 2 दांत पे? हाँ, 2-4 दांत का रहेगा। ओके। सो अगर किसी को खरीदना है तो पूरी गाड़ी आपसे आके ले सकते हैं? हाँ, गाड़ी ले सकते हैं। जैसे कि किसी को 2-4 चाहिए तो उसके लिए थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। जैसे कि ऐसा होता है, कुछ लोग पेमेंट डाल देते हैं फिर थोड़ा जल्दी करते देते हैं, तो हमको भी थोड़ा काम रहता है, तो उसमें थोड़ा वो जल्दी ना करें, 1-2 दिन के अंदर, 2-3 दिन के अंदर में डिलीवरी करवा देंगे। अच्छा, वो हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं। सो जैसे कि अगर मैं खुद भी जानता हूँ कि इन्होंने माल ऑल ओवर इंडिया भेजा है, तमिलनाडु जो हमारे फ्रेंड है वहाँ तक भी भेजा है, मैंने कॉन्टेक्ट से बात की थी, इसके अलावा आसाम वगैरह भी भेजा है। मोनू भाई, एक बार आपसे बात हुई थी कि आप नेपाल भी भेज सकते हो क्या? हाँ, नेपाल में भी भेजा है कई बार। क्योंकि नेपाल से भी हमको बहुत सारे मैसेज वगैरह आते हैं, तो नहीं, नेपाल में भी जाएगा इंशाल्लाह, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बार दो बार भेजा भी हमने, ऐसा नहीं है। सो फ्रेंड्स, दिक्कत नहीं जाएगा उधर भी। आप लोग अगर कहीं से भी हैं ऑल ओवर इंडिया और बरबरी अगर आपको ओरिजिनल ब्रीड बरबरी चाहिए तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं मोनू भाई को। मोनू भाई, इसके अलावा आपका सिरोही का भी बहुत अच्छा बड़ा बिजनेस है फ्रॉम अजमेर। सिरोही का ज़्यादा मेरा बहुत बड़ा बिजनेस है और अच्छी लेवल पे है अपना। हम लोग एक काम करेंगे ना मोनू भाई, ये बरबरी का ही रखते हैं अभी ये वीडियो जी। और सिरोही का हम लोग एक अलग वीडियो बना लेंगे। बिल्कुल सर। और इसके अलावा आपने माशाल्लाह ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चालू कर दिया खुद का। बिल्कुल, ट्रेनिंग प्रोग्राम, क्योंकि आपने खुद ट्रेनिंग ली है CRIG से। बिल्कुल सर। और वहाँ पर हमेशा ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं होता। बिल्कुल। पर आपके यहाँ हमेशा अवेलेबल होता है, तो उसके ऊपर भी एक वीडियो बना लेंगे। पर इस CRIG में भी अवेलेबल होता है, पर वो भी कराते हैं, उनके यहाँ पे भी ट्रेनिंग होता है। एंड होपफुली हम लोग आज वहाँ पर भी वीडियो बना पाएंगे। कोई दिक्कत नहीं, इंशाल्लाह कोशिश करते हैं उधर भी बनवाने जी। सो इसके अलावा मोनू भाई, ये क्योंकि वीडियो बरबरी पे रखना है ज़्यादा, तो कुछ बरबरीज की क्वालिटीज बताइए। तो बरबरी की क्वालिटी ये होती है बेटा, पकड़ बरबरी है तो बरबरी बकरी एकदम हिरन की तरह होती है जी। इसके कान एकदम जो है खड़े होने चाहिए, बिल्कुल ऊपर की तरह होने चाहिए कान, और बॉडी पे जो है स्पॉट होना चाहिए हल्का, थोड़ा थोड़ा चीटा स्पॉट होता है जी। और पीछे जो जांग होती है, इसके जो पीछे का जो हिस्सा होता है उस पर बाल नहीं होते। बाल नहीं होते? हाँ, बिल्कुल चिकनी रहती है। और दूध देने में भी अच्छी है बकरी बरबरी, और बच्चे भी अच्छे देती है। इसको इंडियन सानियन भी बोलते हैं फ्रेंड्स। हाँ, इंडियन सानियन भी बोलते हैं, पर ये बकरी जो है बच्चे देने में भी अच्छी है, और इसका जो है बच्चों का प्रोडक्शन भी अच्छा है, और इसकी जो है मार्केट में भी इसकी वैल्यू ज़्यादा है। और ये नस्ल यूपी से ही बिलोंग करती है? हाँ, यूपी में ही है अपना, ये आगरा मथुरा एटा ये पूरा जो बेल्ट है यूपी में ही पाई जाती है, उत्तर प्रदेश जी। और ये पंजाब में भी पाई जाती है क्या? पंजाब में तो ये यहाँ से ही हमारे यहाँ से गई है पहले, तकरीबन यहाँ से हमारे अब्बू लोगों ने, हमारे अब्बू हैं उन्होंने भेजी थी पहले यहाँ से, तकरीबन 15 से 20 साल के करीब हो गया जी। गवर्नमेंट का था स्कीम पहले उधर किसानों के लिए, वहाँ पे बटी थी बकरियाँ, तो यहाँ से हमारे यहाँ से ट्रक भर भर के जाते थे जी, पंजाबी हो। मोनू भाई, आप एक बार है ना आपका नंबर बोल दीजिए। नंबर बोल देता हूँ जी, 9897937876, ये मेरा मोबाइल नंबर जी। और इस पे व्हाट्सएप भी है। हाँ, सो फ्रेंड्स आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं।
पर अच्छा ये होगा कि अगर आप इनका फार्म विज़िट अगर करेंगे, ज़्यादा क्वांटिटी में आपको चाहिए एंड बहुत ही ट्रस्टेड सेलर हैं, जैसे कि मैंने बताया कि बहुत जगह इनका माल गया है, तमिलनाडु में पर्सनली जानता हूँ, देन कर्नाटक में भी इनका माल गया है। सो आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इनको फॉर बर्बरी गोट्स। एकदम अभी ये 10 महीने की है, अभी ये दांत तोड़ रही है, मतलब अभी 12 महीने से ऊपर की हो चुकी है। अच्छा, ये एकदम बिल्कुल अभी नहीं, अभी ये लोड हो चुकी है, ये गाबन हो गई है, गाबन एक महीने के आसपास की हो चुकी है जी। जैसे कि ये भी है, ये भी प्रेग्नेंट है, ये भी लोड है। उसको रूसी बोलते हैं, मुंडी बर्बरी, जिसकी सिंग नहीं होती है। जिसकी सिंग नहीं होती है पर अच्छी होती है, घर में इसको पाल सकते हैं, किसी बच्चे को नहीं मारेगी क्योंकि इसकी सींग नहीं है, शरारत भी कम करेगी, किसी बच्चा अगर उसको कोई खिलाना भी चाहता है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये बाकी बर्बरियों से, लाइक बाकी बकरियों से बर्बरी ज़्यादा बच्चे देते हैं? हाँ, बर्बरी ज़्यादा देती है, साल में दे देती है 4 बच्चे दे देती है। अच्छा, साल में 4 बच्चे बर्बरी देती है, प्रोडक्शन इसका और बकरी से ज़्यादा है। ओके, तो इसको जो है स्टाल फीड पे अच्छी तरीके से रख सकते हैं। ओके, तो आपने बर्बरियों का तो बताया, लेकिन जो आपके पास जमुनापारी भी है ना इस वक्त कुछ? हाँ, जमुनापारी है, जमुनापारी जैसे कि ये बच्चा है, भी है जमुनापारी का, भी ये मेल है, तकरीबन है इसकी उम्र 5 से 6 महीने का। अच्छा। अभी वेट है इसका तकरीबन 30 से 35 kg। ओके, तो ये अदंत है, दांत दिखाते हैं खोल के, ये देखिए, ये अदंत है। अभी जमुनापारी की पहचान ये होती है, कान लंबा होना चाहिए, छोटा कान रहता है तो वो क्रॉस ब्रीड का माना जाएगा, जैसे कि इतना कान कर देते हैं इसका तो ये क्रॉस हो जाएगा, कान लंबा होना चाहिए, कम से कम 1 फुट का रहना चाहिए, कम से कम अंदाजन ये क्या रेट में मिलेगा? जमुनापारी की कॉस्ट अभी अपने फार्म का 300 रुपये पर केजी का लाइव बॉडी वेट का रेट है। तो ये कितने का हो गया फिर? ये तकरीबन मान के चलिए आप, ये 30 के समथिंग ही बैठेगा, तकरीबन 9-1000 रुपये का। 9000 रुपये में। सो अगर किसी को ये ब्रीड भी और सेम बच्चे ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए, वो भी आप अवेलेबल करा भी कर देंगे, और उसमें ये कुछ कम कर देंगे रेट जी। और आप बीटल जो आप दिखा रहे थे, ये वाला बीटल है ये, तो आप बीटल की कंडीशन होती है ये, और बकरों से हाइट अच्छी लेता है क्योंकि ये पंजाब का ब्रीड है। ये 2 दांत आ गए इसके? हाँ, अभी 2 दांत आ गए, व्हाइट आईज में। अभी इसका जो है तकरीबन वेट 60 kg हो चुका है, माशाल्लाह एकदम अच्छा है। इसकी हर चीज का बकरी से थोड़ा, जो और बकरियां होती है उससे सब चीज बड़ी रहती है, जैसे कि इसकी दुम देखोगे आप बीटल की, तो इसकी हर बकरी से बड़ी दुम रहती है, कान भी माशाल्लाह एक बड़े होते हैं, आँख भी सफेद होती है, पंजाबी की पहचान होती है आँख से। ये क्या रेट से बेचेंगे आप? पंजाबी की रेट वही 320 का रेट है, 320 प्योर क्वालिटी एक नंबर। लोग यही बकरा मांगने लग जाएंगे, लेकिन ये बकरा मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, ये फॉर सेल नहीं है ना, नहीं। ये मोनू भाई के घर का बकरा है कुर्बानी के लिए, और कुर्बानी के लिए, पर अगर सिर्फ मैं चाहूँगा तो मेरे को दे देंगे बोल रहे हैं। बहुत अच्छा बकरा है, कलरफुल में पंजाबी, अगर किसी को चाहिए तो कलरफुल में दे देंगे, और चाहिए बच्चे तो ऐसे दे देंगे जरूर। सो फ्रेंड्स, मोनू भाई ये हमारा पहला वीडियो था, हम लोग अभी इसके बाद 2 वीडियोस और बना लेते हैं, इंशाल्लाह। एक सिरोही के ऊपर अंदर, एंड देन आपके ऑफिस के अंदर भी एक बना लेंगे, कि आपका जो क्लासेस का जो क्या हिसाब किताब है, वो भी बता, प्राइस वगैरह एंड एवरीथिंग, वो भी बता। ओके, सो फ्रेंड्स, साइनिंग ऑफ फॉर दिस वीडियो, हम लोग अब भी दूसरा वीडियो बनाते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।